ऑयल होने दो या आयरन होने दो, 100% बनेगा 14 साल में। यानी 14 साल में मैंने पूरे के पूरे इकोसिस्टम को चूस लिया और ख़त्म कर दिया। रिफिल कभी किया? तो एक दिन तो बैंक बोलेगी साहब आपका बैंक बैलेंस खत्म हो गया, चेक बाउंस हो गया। तो देना और देना ये दोनों जब होगा तभी बैलेंसिंग हो जाएगा। तो कुदरत का बैलेंसिंग सिस्टम सोचने का तरीका आदमी का जो है वो है फिलॉसफी, और खेती का तरीका है इकोसिस्टम। ये जब ये बनाने का तरीका जैविक खेती, जिसको शब्द ज़रा अच्छा है ऑर्गेनिक फार्मिंग से, इकोसिस्टम के साथ हमारी खेती होगी। पहले इकोसिस्टम थी सब जगह, दो गांव के बीच में जंगल था, हर नदी नाले के बाजू में पौधे थे और वो पानी फिल्टर करके अंदर छोड़ते थे या पानी बहने वाला पानी को फिल्टर करते थे, और वो पानी भी अच्छा था, पानी की क्वालिटी भी अच्छी थी, पानी भी अच्छा था और हवा भी अच्छी थी। आज सब जंगल ख़त्म हो गया, एक दूसरे गांव का बॉर्डर हमें मालूम नहीं, सिर्फ पोस्ट का कोड है उसके ऊपर से मालूम पड़ता है ये पुणे है, चिंचवड़ है, देहू रोड है, ये बम्बई है, मालाड है, ये घर भी अलग नहीं है, जंगल भी नहीं है। जहाँ जाओ वहाँ पे सब पॉपुलेशन और मैनमेड कंस्ट्रक्शन है, और नेचर का बेसिक है डिसेंट्रलाइजेशन। और हमारा गोल है, बता रहे हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन लेकिन काम सेंट्रलाइजेशन का कर रहे हैं। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होगी। और कस्टमर को ऑर्गेनिक फार्मिंग देखने का एक ही तरीका है जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेशन, उसमें फ्रॉड है लेकिन उसमें से 50% तो सच है। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन है तो पूना के लोग तो ये बोल रहे कि नो योर फार्मर, कि भाई आप जो खा रहे हो कहाँ से बन रहा है देखो। तो अभी उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है कुछ लोग कर रहे हैं कि उसके ऊपर पैक के ऊपर कोड रहता है, और कोड के ऊपर कहाँ से लाया उसका फ़ोन नंबर उसका नाम रहता है। तो आपको ये देखना है जहाँ जाके कभी फार्मर का नंबर होगा तो, कि भाई ये फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? वेरी कॉमन थिंग कि अगर उसने स्प्रे किया है तो आप इंसेक्ट नहीं रहेंगे, तो उसके खेत में तितलियाँ नहीं रहेंगी, उसके खेत में हनी भी नहीं रहेंगी, उसके खेत में स्पाइडर नहीं रहेंगे, उसके खेत में चींटियाँ नहीं दिखेंगी, उसके खेत में बायोडाइवर्सिटी नहीं दिखेंगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट ए ऑर्गेनिक फार्मिंग, इट इज़ समथिंग एल्स। तो ये देखने का तरीका, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। और हमारे पास जो वक्त है वो ज़्यादा पैसा कैसे मिलेगा, या ज़्यादा पैसा मिलने के बाद उसका उपभोग अच्छी तरह कैसे ले पाएंगे, उसके ऊपर है। आज गांव भारत का हमारे एक नेता थे शरद जोशी करके, वो बोलते हैं ये देश में दो देश है, एक है इंडिया दूसरा है भारत। और जो इंडिया है वो भारत का एक्सप्लोरेशन कर रहा है, और भारत से सब इंडिया को भेजा जा रहा है, पानी दूध यानी सबका पानी। और आज तक हिंदुस्तान में एक भी डैम एग्रीकल्चर के लिए बनाया है, और जो बनाए थे न्यू रूल के मुताबिक फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, सेकंड प्रायोरिटी फॉर इंडस्ट्री, अगर बाकी रह गया तो शायद हम किसानों को देंगे। बजट में किसके नाम पे है? फार्मर के नाम पे। एग्रीकल्चर ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ करने के लिए रस्ते हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ करने के लिए डैम है, और उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया डैम का। बॉम्बे म्यूनसिपालिटी का जो डैम है वो डैम में जो गांव में बने हैं वो गांव वाले वो पानी नहीं ले सकते। बम्बई महापालिका का जो डैम है वो उनके ज़रूरत के ऊपर कई टाइम्स उन्होंने बना के रखा है, ज़मीन गवर्नमेंट ने निकाल के ली है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन किसान को कुछ नहीं मिला है, और पानी बेच रहे उसके ऊपर गेन कर रहे, जैसे MIDC।
ये जो पानी है उसका प्राइवेशन हो गया, सबका प्राइवेशन हो गया और होने वाला है। तो हमारे किसान की जिम्मेदारी ये बनती है, हर शहर वालों की जिम्मेदारी ये बनती है कि भाई जो बारिश गिरी है वो हम लोग ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाएंगे क्या, हमारे पानी का बंदोबस्त हम करेंगे। हमने सोच लिया दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेरी नहीं है। किसान बोलते हैं ये भी मेरी नहीं है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता ही नहीं है और हल चला चला के इतनी ज़मीन ख़राब की है कि ज़मीन के अंदर पानी जाता ही नहीं है। जैसे कि एक बारिश गिर गई तो बाढ़ आती है, उसके लिए नेचर क्लाइमेट चेंज भी जिम्मेदार है लेकिन वो 100% नहीं है। जो नदी नाले नहर जो है उसकी मरम्मत हमने नहीं की है, उसका भी सॉइल इरोजन हो गया, उसके अंदर ज़मीन के अंदर नदी नालों के अंदर मिट्टी गई है। हमारे सब डैम जो बनाए थे उसके 40% ही पानी इकट्ठा कर सकते, बाकी सब भर गए। वो मिट्टी निकाली गई नहीं है, मिट्टी रुकाने के लिए कुछ प्रयास नहीं किया गया है। तो शायद हमारे कई छोटे छोटे बंध तो ऐसे बन गए कि वो दिस इज बिकम ए क्रिकेट मैदान ग्राउंड, पहले भंडारा था। तो सॉइल इरोजन इज वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने केले, आम और पेरू अमरुद इसका जंगल बनाया और इसमें 25,000 के वैरायटी के आम, 10 टाइप के केले और 10 टाइप के अमरुद और उनके बीच में है हल्दी। और वहाँ पे ये नेचुरली जो कल हो रहा है, नेचर में दूसरा कुछ आएगा हमने यहाँ पे वो आने को मना किया है क्योंकि इसको कंपटीशन करेगा, इसीलिए नेचुरल बोला नहीं जाएगा। okay. उसमें नारियल में आएगा ही नहीं क्योंकि उसमें शैडो बन गई है। तो शैडो में आ सकते हैं, वो वहीं पे आएगा। यहाँ पे दूसरा आने की संभावना है तो हम हमारे लिए चाहिए रख के बाकी निकाल देते हैं, इसीलिए नेचुरल नहीं है। और इधर का सॉइल क्या, मतलब सॉइल इतना ख़राब था कि डिगिंग करने के बाद टूल को लोहार के पास जाके उसको पॉइंट निकालना पड़ता था। अभी हाथ से कम 9 इंच तो खोद सकते हैं। ओके, सॉइल चेंज होती है, ऑर्गेनिक मैटर जैसे मिलेगा वैसे वो चेंज होती जाएगी। और इधर का फर्टिलिटी कैसा था? फर्टिलिटी पहले जब हमने जगह ली तो हमारे 1.5 एकड़ में 70 किलो चावल आया था। 1.5 एकड़ में 70 किलो। ओके, और बाद में मुझे तजुर्बा आ गया, टेक्निकल मालूम पड़ गया और सॉइल की डेवलपमेंट हो गई। तो विद इन 10 ईयर्स हमारा 1,000 स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर फीट में 67 kg आ गया। 1,000 यानी एक गुंठा में, एक गुंठा हाँ सेम ऑलमोस्ट, मतलब जो 1.5 एकड़ में आ रहा था वो 1.5 एकड़ में 70 किलो आ रहा था, वो एक गुंठा में आ गया। यानी 1.5 एकड़ में 70 किलो, इसका मतलब हो गया 10-12-15 किलो गुंठे को। उसके बदले में 67 आ गया। अभी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है 10 टाइम्स बढ़ा है, मतलब ऑलमोस्ट। अभी हमारे जो है वो 45 kg है पर गुंठा और स्टेट की है 22 kg विथ ऑल इनपुट्स। ये विदाउट इनपुट 44-45 kg बासमती जैसे वैरायटी, यानी क्वालिटी बोल्ड तो और ज़्यादा आ जाएगी। और विदाउट इनपुट है और अदर या मिनिमम इनपुट पे, नो केमिकल्स। आप ये सोच रहे कि बच्चों को हमें सिखाना है, बच्चों को अवेयर करना है, लेकिन बच्चे जो है हमारी कॉपी कर रहे हैं। तो पहला हमको बदलना पड़ेगा और ये नहीं है कि मेरे पिताजी बदल नहीं पाएंगे। पिताजी अगर ये मोबाइल सीख गए तो पिताजी के पास बदलने की कैपेसिटी है और हमें पिताजी के साथ दादा और पिताजी ये दोनों काम करेंगे, माँ और दादी काम करेगी तो शायद मेरा बेटा वो देख के कॉपी करेगा। तो पहले बदलाव हमें लाना है कि भाई हम ये गलत कर रहे हैं। हमारे दिमाग में ये है क्या हो गया, तो क्या हो गया, तो बच्चे भी बोलते तो क्या हो गया। तो मैंने ये पानी पिया है तो मुझे बच्चों को सिखाना पड़ेगा बेटा ये पानी जो है ना
बहुत कीमती है सर, 20 रुपये को मिलता है और 20 रुपये उसके लिए ज़ीरो है, क्योंकि जो मुझे नहीं मिला मैंने बच्चों को देने का प्रयास किया। जब तक उसकी नीड नहीं है फिर भी हमने उसको दिया है, तो उसके लिए उसकी वैल्यू ज़ीरो है, नंबर एक। और मैं अगर गिलास में पानी फेंक रहा हूँ तो मैं बच्चे को बोल नहीं सकता ना कि बेटा गिलास में पानी मत फेंको। अगर मैंने पानी कंजर्व नहीं किया है, मेरा पानी गटर में छोड़ दिया है और मैं वो म्यूनसिपालिटी के क्लीन वाटर से मेरी गाड़ी साफ़ कर रहा हूँ, तो मैं बच्चे को नहीं बता सकता हूँ कि बेटा पानी बहुत कीमती होता है, उसको संभाल के रखना। वो बोले कि पिताजी आप क्या कर रहे हो। तो ये साइमल्टेनियस दोनों होने की ज़रूरत है, और हमें ये चीज़ें हैं कुदरत के बनाई हुई चीज़ें, कुदरत के लिमिटेशन पार करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम बोले कार्बन फुटप्रिंट। तो मुझे बच्चों को देते वक्त उसकी जब तक डिमांड नहीं आएगी, और डिमांड आने के बाद उसके लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा वो पैसा लाने के लिए, इसकी जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक इकोसिस्टम के लिए वो काम नहीं करेगा। उसमें से 10-20% बच्चे काम करेंगे, बोलेंगे नहीं दिस इज़ आवर फ्यूचर, लेकिन वो दिमाग सिर्फ 10-20% लोगों के पास होगा, बच्चों के पास। तो उनके लिए एजुकेशन सिस्टम में बचपन से जो एसेट एंड लाइबिलिटी हमने सोची है, यार पारिश एसेट है लाइबिलिटी है, सुगंध का झाड़ एसेट है लाइबिलिटी है, तो हर चीज़ का इकोनॉमिकल लेवल पे देख के अगर हम काम करेंगे तो सिर्फ कुछ ही चीज़ें रह जाएगी, और शायद आज भी शायद बोलना भी गलत है, आज ये ऑलरेडी हो गया है कि बुड्ढों की इज्जत ख़त्म हो जाएगी। क्या काम कर रहे हैं, हमें बड़ा किया तो क्या हो गया, हम उनको एक वृद्धाश्रम में रख देंगे, इमोशनली भूल जाओ, मेरी जिम्मेदारी क्या है, उनको जिंदा रखने की, चैन से जिंदा रखने की, या मेरे लिए उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया उनको वापस देने की, ये भूल गए। और ये क्यों भूल गए, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए, तो मुझे जो सोसाइटी में रहना है वो सोसाइटी में तरक्की दिखनी चाहिए। और नेचर बोलते हैं वेरी सॉरी, ग्रोथ एंड स्टॉप, ये स्टेडी ग्रोथ होती है, और हमारी नॉन स्टॉप ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ, इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, और इट इज़ अगेंस्ट द नेचर। तो जब तक हम बच्चों को, हमें खुद को, हमारा कार्बन फुटप्रिंट क्या है, हमारा वाटर फुटप्रिंट क्या है, इसकी जानकारी नहीं देंगे, हम वो चेंज करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम हक से बच्चों को बता नहीं पाएंगे बेटा तुम्हें ये करना है। तो हमारे हर बंदे की जिंदा रहने के लिए, खुशी मिलने के लिए, समृद्धि मिलने के लिए, उसका कंट्रीब्यूशन देने के लिए मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे सब राइट्स मालूम है, मेरी जिम्मेदारी मालूम नहीं है। यानी आप घर में अमेज़ॉन ला रहे हो, तो अमेज़ॉन में जो कचरा आ रहा है वो कचरा किसका है, आपका या नगर पालिका का, खराब डिकम्पोज कहाँ करोगे, कौन कर रहा है। और हम अभी इसमें से मार्केटिंग करके सब ला रहे हैं। और दूसरी एक बात करेंगे, जैसा स्टेटस बढ़ेगा इकोनॉमिक वैसा इकोसिस्टम और कोलैप्स करते हैं। जैसे कि मेरा स्टेटस बढ़ गया, मेरे पैसे ज़्यादा आ गए, मेरा सीए बोलेगा सर घर रिनोवेशन करो, तो मेरा घर रिनोवेशन होने के बाद 5 साल के बाद हर साल मैं घर चेंज करता हूँ, हर 5 साल में, और कम से कम एक ट्रक डैमेज कर डालता हूँ टाइलिंग के साथ, कमोड के साथ, वो पूरे जब तक वो रहे तब तक डिकम्पोज नहीं होने वाला है। मैं मेरे घर में अलग अलग क्लीन करने के लिए, हाथ धोने के लिए, बैक्टेरिफाई करने के लिए, क्या इसमें बैक्टेरिफाई करने के सिस्टम नहीं है,
हाथ में से जो मेरे बाहर आ रहा है मेरे जो बैक्टीरिया मेरे हाथ पे बढ़ रहे मार नहीं रहे, मेरी सालवा जो है पेट में जाने के बाद उसको मार नहीं रहे, या भूल गए कि हमारे शरीर में ये सिस्टम है। तो बच्चों को अगर हम बताए अरे हाथ धो लो, पानी से धो या साबुन से धो, भाई साबुन से क्यों, पानी अगर अच्छा है तो पानी से धो। तो ये जब तक ये एक चेन है, ये चेन में अच्छा बनाने की ज़रूरत है, अच्छा रखने की ज़रूरत है और वो संभालने की ज़्यादा ज़रूरत है जो है वो। ये जब तक हम नहीं करेंगे हम बच्चों को सिखा नहीं पाएंगे, और बच्चों को एजुकेशन में सिखाने वो एजुकेशन में जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम कलाम जी ने खुद बोला है कि भाई हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है सिर्फ ज़्यादा पगार कौन से जॉब में मिलेगा वो देने के है, तो हम कैसे सोच सकते कि भाई मेरा बेटा साइंटिस्ट बनेगा, क्योंकि उसको सोचने का हमने सिखाया ही नहीं है, सोचो मत कॉपी पेस्ट करो। तो एजुकेशन सिस्टम में पास होने के लिए सब्जेक्ट है या उसको ज़िंदा रहने के लिए सिस्टम है, जैसे कि अभी स्वराज यूनिवर्सिटी काम कर रही है, नहीं तो नई तालीम गांधी जी ने सिखाई कि भाई सोचो और काम करो, श्रम आधारित जीवन पद्धति रखो, कुछ तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करो, ये कोई कर नहीं रहा है। अगर नहीं करेंगे तो हमारा फॉल 100% जल्दी आएगा, फॉल आने वाला है लेकिन इतना जल्दी नहीं आएगा। तो स्पीड ब्रेकर जो है, स्पीड ब्रेकर इज सबसे इम्पोर्टेंट थॉट,